तो गाइस यहाँ पर हमारा घर बनकर रेडी हो चुका है। सो इन 3, 2 and 1 एक बार इस जगह को देखो तुम लोग। ऑब्वियसली तुम लोग सोच रहे हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ एंड ये क्या 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 हो क्या रहा है ये। तुम लोग इस वीडियो को एंड तक देख लो, सब समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है आज से कुछ एक हफ्ते पहले की। मेरे पास लाइक्सी भाई का मैसेज आता है कि SMP बन गई है, आ जाओ। सो तुम लोग को शायद नहीं पता होगा तो हम लोग बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि एक SMP बनाई जाए जिसमें बहुत सारे क्रिएटर्स आकर के एक साथ खेलेंगे एंड बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो एक हफ्ते पहले लाइक्सी भाई का, अबे यार बारिश स्टार्ट हो गई, बट कोई बात नहीं गाइस, मैं तुम लोगों को कहीं पर लेके चलता हूँ पहले। तो गाइस अभी मैं अपने सीक्रेट बेस में आ चुका हूँ क्योंकि ये पूरी की पूरी SMP है एंड इसमें अपना सामान सिक्योर करना बहुत जरूरी है। एंड तुम लोग देख रहे हो मेरे पास डायमंड का आर्मर है, बहुत पैसे है मेरे पास। ओके सो सुबह हो चुकी है एंड बारिश भी जा चुकी है। सो कंटिन्यू करते हैं। तो एक हफ्ते पहले मेरे पास लाइक्सी भाई का मैसेज आता है कि SMP बन चुके है, आ जाओ। एंड उसके बाद से मैंने पहले ही दिन से अपने घर बनाने के लिए मैंने सामान इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। कम से कम मैंने 2-3 दिन लगाकर सामान इकट्ठा करा एंड सिर्फ इतना ही बन पाया है। बट आज भी मेरे को वापस से सामान इकट्ठा करने का है, बट आज कुछ ट्विस्ट है। सो मेरे पास एफिशिएंसी 5 भी है एंड अभी बस मेरे को एक डायमंड की शवल चाहिए। सो आज हम लोग जा रहे हैं डायमंड माइन करने के लिए। एटलीस्ट मेरे को बस एक डायमंड चाहिए। ओके सो हम लोग नीचे आ चुके। तो ये रही मेरी एफिशिएंसी 2 की PX, ये रही एफिशिएंसी 5 एंड गेस व्हाट, ये रही फॉर्चून 3। सो एफिशिएंसी 5 और फॉर्चून 3 को मिला लेते हैं, लेट्स गो। एंड ये गई मेरी पिकेक्स एंड ये बन गई मेरी अल्टीमेट खतरनाक वाली पिकेक्स। गाइस मेरे पास लिटरली डायमंड नहीं है एंड यहाँ पर जितने भी लोग दिखते हैं ना सबके पास डायमंड है एंड इकलौता मैं ही हूँ जिसने ट्रेडिंग करके डायमंड निकाला है। मेरा घर ये रहा जो कि लगभग 10% कम्प्लीटेड है, 20 मान लो, एंड लाइक्सी का घर पूरा ही कम्प्लीट हो चुका है भाई। तो बेसिकली ये जो सामने दिख रही है बिल्डिंग, ये टाउन हॉल है। सो ये है एक स्टेज जहाँ पर 3 तारीख को इवेंट होने वाला है एंड इवेंट है किस चीज का। सो बेसिकली यहाँ पर पॉलिटिक्स खेले जा रहे हैं भर भर के एंड चुनाव लड़ा जा रहा है लीडरशिप का। गाइस ये एरिया बेस्ट लग रहा है मेरे को, ऐसे नीचे चलते हैं ज्यादा बेटर रहेगा भाई, ज्यादा प्रो बनने की जरूरत ना है भाई। डायमंड ढूंढने का है मेरे को, मैं क्या कर रहा हूँ। सो बेसिकली मेरे को यहाँ पर -58 पर जाने का है। देखो गाइस मेरे को डायमंड ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ओके अभी देखो मेरी किस्मत कितनी कितनी जोरदार है, अब भी मेरे को डायमंड मिल जाएगा, अब भी। ये देखो डायमंड, 1, 2, 3 डायमंड। व्हाट लॉल, नो वे भाई, 6 डायमंड मिल गए भाई, क्या किस्मत चल रही है मेरी। What the heck? Guys, ये मैं कुछ नहीं। अबे भाई क्यों किस्मत चल रही है, 17 डायमंड मिल गए आते ही। यहाँ से कैसे जाओ मेरे ये नहीं समझ में आ रहा। गाइस वो रहा मेरा घर एंड अभी बस मेरे को जाग करके सोने का है। भाई ये क्या है, अबे इन लोग की अलग से अंताक्षरी चल रही है यहाँ पर। मैं यहाँ पे जाऊंगा आराम से सो जाऊंगा, तुम लोग कुछ ना कर पाओगे जस्ट बिकॉज ये मेरा वर्ल्ड है। गुड मॉर्निंग मेरे मित्रों। सो अभी चल के फटाफट से सवल बनाते एक। अभी मेरे को ट्रेड करना था यार, मेरे पास आयरन नहीं क्या यार। गाइस मेरा आयरन खत्म हो गया, अभी आयरन लेने जा रहा हूँ मैं। ये क्या आयरन फार्म है यार, इतना क्या जोरदार है यार, ये इतना क्या जोरदार है भाई। वेलकम बैक गाइस, हम यहाँ पर आयरन लेकर आ चुके हैं। ओए ब्रो, सो अभी मेरे को सबसे पहले तो एक शॉवल बनानी पड़ेगी डायमंड की एंड मैं सोच रहा हूँ डायमंड की शॉवल के साथ साथ डायमंड के सारे टूल्स बना लूँ क्या यार। लेट्स गो गाइस, मेरी यहाँ पर डायमंड की शॉवल बनकर रेडी हो चुकी है एंड आई नो ये बहुत जल्दी टूट जाएगी जस्ट बिकॉज मेरे पास यहाँ पर अनब्रेकिंग नहीं है, बट मेरे पास यहाँ पर मेंडिंग है। ओके गाइस ये बन गई अब हमारी अल्टीमेट शवल एंड अभी चल के फटाफट से मेरे को ग्रेवल निकालने का है। ओके तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अभी सीधा ग्रेवल लेने के लिए। ओके भाई क्या स्पीड है इसकी, ये देखो तुम लोग। तो गाइस 2 मिनट दो, मैं तुम लोग से मिलता हूँ थोड़ी देर में।
गाइज मैंने ग्रेवल के साथ साथ थोड़ी सी सैंड भी निकाल ली क्योंकि मेरे पास सैंड भी थोड़ी सी कमी थी, तो मैंने सोचा निकाल ही लेते यार, ग्लास बहुत ज्यादा लगने वाले हैं। गाइज देख रहे हो मेरे शॉवल भी टूटने आए एंड मैंने इसमें मेंडिंग लगा रखी, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है भाई, बहुत काम है यार आज, लिटरली बता रहा हूँ मैं, मजाक की बात नहीं है ये भाई। सारी की सारी चीजें यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है एंड नाउ अभी मेरी व्हाइट डाई बन सकती है इजिली। लेट्स गो, नीचे से लेके आते, मेरे पास बहुत सारे बीज है यार। नो आइडिया गाइज इतनी सीड से कितनी व्हाइट डाई बनने वाले, बट आई गेस ज्यादा नहीं तो एक स्टैक तो बन जाए यार, एटलीस्ट एक स्टैक बहुत होता है। लेट्स सी गाइस कितनी बनती है व्हाइट डाई। सो मेरे को अभी यहाँ पर पूरा कॉन्क्रीट लगाने का है, लगा देता हूँ फटाफट से। तो गाइस मेरे पास यहाँ पर 30 बोन मिल और आ चुकी है एंड इतने में तो कुछ नहीं होने वाला, बट कंटिन्यू तो करना पड़ेगा ना यार, और क्या ही कर सकता हूँ मैं। सो यहाँ पर मेरे को कुछ इस टाइप से लगाने का है, 1 2 3 4 5। तो गाइस तुम लोग मुझे 2 मिनट दो एंड टाइम लैप्स एंजॉय करो, मैं इस पूरे के पूरे घर को बना देता हूँ यार, बहुत टाइम लगने वाला है बट ठीक है। यहाँ पर हमारा घर बनकर रेडी हो चुका है। सो इन 3 2 1 ये देख रहे हो गाइस कितना ज्यादा सही लग रहा है। एंड यहाँ पर मैंने एक स्विमिंग पूल बना रखा है जिसमें आप तैर सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक एरिया बना रखा है जहाँ पर हम लोग ऐसे ऐसे बैठ सकते गाइस, ये देख रहे हो, यू नो कितना ज्यादा अच्छा एरिया है यहाँ पर। ओके एंड यहाँ पर हम लोग बैठ कर ऐसे यू नो गाइस जैसे खाना वाना भूख वूख लगती है तो यहाँ पर हम लोग बैठ कर ईजिली खाना खा सकते हैं। एंड यहाँ पर ये एरिया खाना पकाने का एरिया है, यहाँ पर ऐसे हम लोग कुछ भी खाना डालकर पका सकते हैं। एंड ये है हमारा बेडरूम, यहाँ पर हम लोग बेसिकली सो सकते हैं। एंड यहाँ से ऊपर जाने के बाद ये जो एरिया है यहाँ से हम लोग व्यू ले सकते हैं, कौन अपने घर में क्या कर रहा है देख सकते हैं, कौन अपने स्टेज पर क्या कर रहा है, कौन अपनी जगह पर क्या कर रहा है, हम हर जगह पर नजर रख सकते हैं। एंड अपकमिंग टाइम पे आप लोग को बहुत बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है, सो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करना। सो आप लोग से मैं मिलूंगा एक और न्यू वीडियो में, तब तक ले टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय मेरे भाई लोग। Artificial love.